जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम ज्योति चौरसिया, योर साइंस टीचर. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेकेंड पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. इन दिस पार्ट वी विल स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ टंग एंड द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. टंग इज ऑल्सो हेल्पफुल इन डाइजेशन. टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन साइड अवर माउथ. जो हमारा टंग होता है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है. इट इज़ फ्री फ्रॉम द फ्रंट साइड एंड वाइल फ्रॉम बिहाइंड इट इज़ फिक्स्ड. यानी कि आगे से तो ये फ्री होती है और पीछे से ये फिक्स्ड होती है, अटैच्ड होती है हमारे माउथ के मसल्स से. टंग ऑल्सो हेल्प्स टू सोलो डाउन द फूड इन टू द फूड पाइप कनेक्टेड टू अवर स्टमक. यानी कि जो फूड हम खाते हैं करती है, यानी टंग जो होती है हमारे फूड को पीछे की तरफ पुश करती है, जिससे कि हमारा फूड होता है फूड पाइप में चला आता है और जो फूड पाइप हमारे स्टमक से कनेक्ट होता है. टंग ऑल्सो हेल्प अस टू टॉक और कम्युनिकेट विथ पीपल. यानी कि टंग हमें किसी से बात करने में भी हेल्प करती है. देर इज़ अ डायग्राम ऑफ टंग. टंग इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट सेक्शन फॉर डिटेक्टिंग डिफरेंट टेस्ट. यानी कि टंग को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जहाँ से हम डिफरेंट टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, यानी कि अलग अलग टेस्ट को हम डिटेक्ट करते हैं. जैसे कि दी सेक्शन आर कॉल्ड टेस्ट बड. इन सेक्शन को हम टेस्ट बड कहते हैं. टेस्ट बड डिटेक्ट स्वीट, सॉल्टी एंड सॉर, बिटर टेस्ट. अलग अलग टंग के जो सेक्शन होते हैं अलग अलग टेस्ट को डिटेक्ट कर पाते हैं, पहचान पाते हैं. जैसे कि टेस्ट बड विच डिटेक्ट द स्वीट एंड सॉल्टी टेस्ट आर लोकेटेड एट द फ्रंट पार्ट ऑफ अवर टंग. यानी कि जो टेस्ट बड मीठा और नमकीन स्वाद को डिटेक्ट करता है वो हमारे टंग का के फ्रंट पार्ट में होता है. And the taste buds which detect the sour taste are located on the sides of our tongue. यानी कि जिस taste buds से sour taste यानी कि खट्टे स्वाद का हमें पता चलता है वो हमारे tongue के side में होते हैं. Taste buds which detect the bitter taste are located at the back or bottom of our tongue. यानी कि जो taste bud हमारे bitter चीज़ों यानी कि कड़वे चीज़ों को taste करते हैं, स्वाद करने में हेल्प करते हैं, वो हमारे टंग के बैक पार्ट में होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स. माउथ ऑल्सो नोन एज बक्कल कैविटी, ऑल्सो फिगर्स ऑल्सो नोन एज फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. दीज आर द मेन ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. लेट अस डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल. डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस अ सून एज वी टेक फूड इनसाइड आवर माउथ. यानी कि जब हम अपने माउथ में खाने को रखते हैं, खाने को लेते हैं, हमारे फूड का डाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है. टीथ का वर्क होता है हमारे फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में चॉप करने का, यानी काटने का, पीसने का, ग्राइंड करने का. और जो हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं वहाँ से सलाइवा सिक्रीट होती है जो फूड को हमारे सॉफ्ट बनाती है, जिससे कि हम इजिली उसको इंगल्फ कर सकें, यानी कि नीचे की तरफ ओएसोफेगस में तो हमारे फूड जा सके. देयर आर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर टंग विच सिक्रीट सलाइवा. यानी सलाइवा को सिक्रीट करते हैं. सलाइवा कंटेन ए स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम. यानी कि उसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ डाइजेस्टिव जूस होता है जिसे हम एंजाइम कहते हैं. और जो हमारे फूड में प्रेजेंट स्टार्च यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट होता है हमारे फूड में प्रेजेंट, उसको वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है. नाउ पार्शली डाइजेस्टेड फूड इज पुश्ड डाउन इनटू द फूड पाइप बाय अवर टंग. यानी कि अब जितना भी हमने फूड को चीव कर दिया, चबा लिया और हमारे कार्बोहाइड्रेट का वहाँ पे डाइजेशन भी हो गया पार्शली, तो अब वो फूड क्या होता है और जो हमारा टंग होता है उसको पुश कर देता है पीछे की तरफ, पुश करता है और वो फूड हमारे ओएसोफेगस यानी कि फूड पाइप में जाता है. Now what is the function of oesophagus? Oesophagus is a muscular tube that connects mouth with the stomach. यानी oesophagus एक muscular tube यानी कि पाइप के जैसा होता है जो हमारे माउथ और स्टमक से कनेक्टेड होता है. जो भी फूड हम चीव करके नीचे की तरफ हमारा फूड आता है वो oesophagus से होता हुआ हमारे स्टमक में जाता है. Now हमारा फूड अब स्टमक में आ जाता है oesophagus के थ्रू. स्टमक इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. यानी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है हमारा स्टमक. इट इज़ अ मस्कुलर बैग लाइक ऑर्गन दैट इज़ लोकेटेड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ आवर एब्डोमेन. यानी कि ये एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है स्टमक का हमारे. पार्शली डाइजेस्टेड फूड यानी कि जो हम चीव फूड यानी कि जो चबाया हुआ खाना है हमारा
वो हमारे स्टमक में अब आ जाता है और स्टमक में बहुत टाइम तक फूड रहता है और धीरे धीरे बहुत सारे एंजाइम्स लीवर से, पैनक्रियाज से और स्टमक की वॉल से एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं जो कि फूड में प्रेजेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को, डिफरेंट कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। वॉल्स ऑफ स्टमक सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच किल्स एनी बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर फूड, यानी कि जो स्टमक की वॉल होती है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करती है जिससे कि हमारे फूड में प्रेजेंट जो बैक्टीरिया होते हैं वो वहीं किल हो जाते हैं। फ्रॉम इनसाइड स्टमक वॉल्स आर बॉन्ड विथ अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड म्यूकोसा, म्यूकोसा सिक्रीट अ लिक्विड कॉल्ड म्यूकस, यानी कि स्टमक के अंदर एक थिन मेम्ब्रेन होती है, पतली लेयर होती है म्यूकोसा की, म्यूकोसा से एक लिक्विड सिक्रीट होती है जिसे हम म्यूकस कहते हैं। ये लिक्विड जो होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हार्मफुल इफेक्ट से स्टमक की लेयर को, स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करती है और फूड को सेमी सॉलिड पेस्ट में ट्रांसफॉर्म करती जिसे हम काइम कहते हैं। काइम इज नाउ सेंट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस, यानी कि स्टमक में हमारे थोड़ा बहुत डाइजेशन बचा रहता है जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर कंप्लीट डाइजेशन होता है हमारे फूड का। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग ट्यूब विच इज अरेंज्ड इन अ फॉर्म ऑफ कॉइल इन अ, वी कॉल इट इन स्मॉल इंटेस्टाइन फर्स्ट बिकॉज इट इज क्विट अ नैरो ट्यूब इन अ डायमीटर, यानी कि इसकी लेंथ तो बहुत बड़ी होती है लेकिन ये डायमीटर में कम होता है इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इन स्मॉल इंटेस्टाइन अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज लोकेटेड नोन एज अ विलाई, विलाई अब्सॉर्ब ऑल द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड एंड सेंड इट टू द ब्लड, यानी कि विलाई जो होती है वो फूड में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी डाइजेस्टेड फूड के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको अब्सॉर्ब कर लेती है और उसको ब्लड में सेंड कर देती है। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं इनको पास किया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन इज जस्ट 1.5 मीटर इन लेंथ बट ड्यू टू द डायमीटर विच इज़ वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन वी कॉल इट्स लार्ज इंटेस्टाइन। मैंने अभी पहले ही बताया कि लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज़्यादा होता है इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, बट इसकी लेंथ सिर्फ 1.5 मीटर होती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत कम है। लार्ज इंटेस्टाइन से हम सारा अनडाइजेस्टेड फूड एक्सक्रीट कर देते हैं अपनी बॉडी से बाहर। सो दिस इज अवर द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सो आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू।